17 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्कार, आदाब। आज के मज़ेदार वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टेप टू द नेचर पे वेलकम करूंगा। जैसा कि 3 से 4 दिनों पहले मैंने पालक के कुछ 3 अलग अलग तरीके बताए थे लगाने के लिए, तो आज के मैं आपको रिज़ल्ट बताऊंगा कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट कौन से तरीके का आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लाइनों में लगे वाले पालक। कैसे चेक कर सकते, लाइनों में हमने पालक लगाए थे तो माशाल्लाह से सब के सब सीड्स अच्छे से निकल गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका यही लाइनों में है। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हम गोड़ी भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हम यहाँ से हम गोड़ी भी निकाल सकते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो, और यहाँ से हम खाद भी दे सकते हैं। तो उसी तरह से सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका यही ये लाइनों वाला तरीका है। आप इसे लाइनों में लगा कर सीड्स को फिर आप जर्मिनेशन कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये हमारा है, ये देख सकते हैं सारे पूरे गमले में चारों तरफ हमारे पौधे ही पौधे हैं। तो इसी तरह से आप पालक को, ये दूसरा तरीका है लगाने के लिए, तो ये चारों तरफ मैंने फैला दिए थे सीड्स को। तो माशाल्लाह से रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं आप पे कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है पालक का। तो तीसरा और आखिरी तरीका ये था कि हमने अंदर वो कर दिए थे, होल कर दिए थे, तो होल के अंदर सीड्स लगा देते, तो 200 से 300 में पालक निकले हैं, पर 100 से 200 में ज़्यादा से ज़्यादा पालक नहीं निकले हैं। तो ये तीसरा तरीका सबसे इतना अच्छा नहीं रहा है, तो ये तीसरा तरीका था पालक को लगाने के लिए, तो ये अच्छा तरीका मेरे लिए साबित नहीं हो पाया। ये पहला तरीका था, आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। तो ये 3 तरीके थे पालक को लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको रिज़ल्ट भी देता जाऊं कि पालक का रिज़ल्ट क्या आया है। तो आज की वीडियो ये थी, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी हमारे प्लांट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे स्टेप टू द नेचर के चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।